Hello friends, welcome to Learn Maths. Please press the subscribe button to subscribe my channel and press the bell icon to get the latest video updates. Let's do question number 9th of exercise 20B, that is mensuration. Question number 9th hai, a square lawn is surrounded by a path. Ek square lawn hai, wo ek path se surround kiya hua hai. Path by 2.5 meter width, 2.5 meter uski width hai. If the area of the path, is path ka area de rakha hai hame 165 meter. Find the area of the lawn, is lawn ka area nikalna hai hame. To area of path, area of path kaise niklega? Area of आउटर माइनस एरिया ऑफ इनर लॉन, इनर लॉन. तो एरिया ऑफ पाथ कितना दे रखा है हमें, 165 मीटर स्क्वायर. और एरिया ऑफ आउटर क्या हुआ हमारा, ये हमें नहीं दे रखा है और ना ही हमें एरिया ऑफ इनर दे रखा है. नाउ एरिया ऑफ इनर क्या हुआ, अगर हम इसको एक्स मानेंगे तो एक्स में इनर वाले को एक्स मानते हैं हम, इनर लेंथ स्क्वायर है तो एक्स हो गई और सारी एक्स एक्स हो गई. तो आउटर क्या हो जाएगी हमारी, एक्स प्लस 2.5 प्लस 2.5, तो ये कितनी आ गई, x प्लस 5 मीटर. ठीक है फ्रेंड्स, नाउ एरिया क्या हो गया, अब एरिया ऑफ पाथ था हमारा 165 मीटर स्क्वायर. अब एरिया ऑफ आउटर क्या होगा, इसका होल स्क्वायर, x प्लस 5 का होल स्क्वायर. क्योंकि एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, साइड कितनी आई है, x प्लस 5. और एरिया ऑफ इनर, इनर है एक्स मानी थी तो इसका स्क्वायर हो गया. अब क्या करेंगे, 165 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये कितना आ गया, 165 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए तो ये क्या आ गया, 10x इक्वल्स टू, ये 25 इधर आ गया, 165 माइनस 25 तो ये आ गया 10x इक्वल्स टू, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4 एंड 1, x कितना आ गया, 140 अपॉन 10 दैट इज 14. तो इनर साइड क्या आ गई, फोर्टीन मीटर. और आउटर साइड क्या आ गई हमारी, आउटर साइड थी हमारी एक्स प्लस 5, तो एक्स था हमारा 14 प्लस 5 दैट मीन्स 19 मीटर. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ लॉन. एरिया ऑफ लॉन क्या है, इनर डायमेंशन, एरिया ऑफ लॉन, एरिया ऑफ लॉन होगा साइड स्क्वायर. इनर साइड देखनी है हमें, साइड स्क्वायर, साइड कितनी आई थी हमारी 14, 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 196 मीटर स्क्वायर इज द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ एक्सरसाइज 20B, दैट इज मेंसुरेशन. क्वेश्चन नंबर 10th इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार इज 5:2. तो 5 अगर लेंथ है और ब्रेथ कितनी है, 2. अ 2.5 वाइड पाथ रनिंग ऑल अराउंड द आउटसाइड ऑफ द पार्क, बाहर पार्क के एक 2.5 मीटर वाइड पार्क है ऑल अराउंड, जिसका एरिया है आउटसाइड द पार्क हैज एन एरिया 305 मीटर. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी, राइट फ्रेंड्स. तो हमें इनर लेंथ, लेट इनर ब्रेथ
बी 2x, तो लेंथ कितनी है इनर, लेंथ इक्वल्स टू 5x। अब आउटर क्या होगी, आउटर लेंथ क्या हुई, 5x प्लस 2.5 इधर का, 2.5 इधर का, प्लस 2.5 प्लस 2.5, तो ये आ गया 5x प्लस 5। और ब्रेथ, आउटर ब्रेथ कितनी हुई, 2x प्लस 2.5 इधर का, 2.5 इधर का, प्लस 2.5, तो ये आ गया 2x प्लस 5। अब हमें दे रखा है एरिया ऑफ द पार्क, आउटसाइड द पार्क, दैट मीन्स इसका एरिया, एरिया आउटसाइड पार्क इक्वल्स टू आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। अब आउटर एरिया क्या होगा, आउटर एरिया इक्वल्स टू आउटर लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है 5x प्लस 5, और आउटर ब्रेथ कितनी है 2x प्लस 5। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5x की मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट में, और इस 5 की मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट में, तो ये आ गया 10x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 10x प्लस 25, तो ये आ गया 10x स्क्वायर प्लस 35x प्लस 25। अब इनर, इनर एरिया क्या आया, इनर एरिया इक्वल्स टू इनर लेंथ इंटू ब्रेथ, इनर लेंथ कितनी थी 5x इंटू 2x, तो ये हो गया 10x स्क्वायर। अब एरिया ऑफ आउटसाइड पार्क इक्वल्स टू आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, ये कितना दे रखा है हमें, 305 मीटर स्क्वायर। आउटर एरिया क्या आया था हमारा, 10x स्क्वायर प्लस 35x प्लस 25, और इनर कितना आया था, माइनस 10x स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर 10x स्क्वायर इज कैंसल्ड, तो ये आ गया 35x इक्वल्स टू 305 एज इट इज, ये 25 इधर चला गया तो माइनस का 25 हो गया, तो ये आ गया 35x इक्वल्स टू 5 में से 5 0, 10 में से 2 गया 8 एंड 2, x कितना आ गया 280 डिवाइडेड बाय 35, 5 7 5 इज 35, 7 4 इज 0, 5 इज 5, 5 इज 48 आ गई। अब हमें किस कौन सी डाय फाइंड द डायमेंशन ऑफ द पार्क, मतलब इनर डायमेंशंस निकालनी है, तो हमारी इनर डायमेंशंस क्या थी, इनर ब्रेथ थी हमारी, इनर ब्रेथ थी हमारी 2x, दैट मीन्स 2 इंटू 8 16 हो गया, और इनर लेंथ थी हमारी 5x, तो वो आ गया 5 इंटू 8, दैट मीन्स 40 मीटर इज द आंसर। थैंक यू। इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।